Hello everyone, I'm Rahul from Prop Analyst. I welcome to our expert interview session. और हमारे आज के सेशन में जो मेरे गेस्ट हैं वो एक बहुत ही वाइब्रेंट और डायनेमिक पर्सनालिटी हैं। वैसे तो लेगेसी बहुत पुरानी है, पिछले लगभग 25 सालों से ये ग्रुप नोएडा और एनसीआर में काफी सारे कमर्शियल प्रॉपर्टीज बना के डिलीवर कर चुके हैं। लेकिन खासकर नोएडा की बात करें तो इन्होंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शुरू करे हैं और बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट को ये लोग डिलीवर कर रहे हैं। जी हाँ, मैं जिन शख्स की बात कर रहा हूँ वो एक जाने माने चेहरे हैं और उनका नाम है मिस्टर आशीष भुटानी, जो रिप्रेजेंट करते हैं भुटानी ग्रुप को। तो चलिए स्वागत करते हैं मिस्टर आशीष भुटानी का अपने इस सेशन पे। सर, वेलकम टू द प्रॉप एनालिस्ट। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जितना मैं इस ग्रुप के बारे में जानता हूँ, पहले ये ग्रुप जो था परमेश ग्रुप के नाम से फेमस था, और पिछले कुछ सालों में इसका नाम चेंज हो गया है, भुटानी ग्रुप के नाम से ये ग्रुप अब जाना जा रहा है। तो व्हाट इज ऑल अबाउट, हाउ कम फ्रॉम परमेश ग्रुप टू भुटानी ग्रुप? परमेश वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1996। ओके। एंड क्वाइट अप टिल द लेट 2006 हमने कंटिन्यू किया इसी नाम से। सी, वंस यू स्टार्टेड डूइंग मार्की प्रोजेक्ट्स, लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स, परमेश इज अ ब्यूटीफुल नेम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट भुटानी ग्रुप वी थॉट हैज अ मोर इंटरनेशनल रिंग टू इट। ओके। भुटानी ग्रुप हैज अ मोर एक्सेप्टेबिलिटी वर्ल्ड वाइड, एंड दैट इज व्हाई वी ट्रांसफॉर्म्ड इट फ्रॉम परमेश टू भुटानी। ओके। परमेश इज स्टिल वेरी मच इन आवर मींस, that's a group identity from day one. But Bhutani is a name that we've been using for the last 14 odd years now. And what we feel, it's more vibrant and more acceptable in the market. Okay. Sir, jaisa main janta hu ki aapka ye ek Parmesh group family group tha, so what all challenges you have faced replacing that name from Parmesh to Bhutani? See, very honestly, jab bhi aap koi change karte hain, thodi bahut problems zarur aati hain लोगों को समझने में कि अभी भुटानी ग्रुप कौन सा है, कौन सा ग्रुप है, नया नाम है, नया नाम है मार्केट, उसको एक्सप्लेन करना, उस जर्नी को पूरा समझाना, कोर वैल्यूज सेम रखते हुए इंटरनेशनलाइज करना अपने ब्रांड को, जो आम चैलेंजेस आते हैं दे ऑब्वियसली आर देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट हैपेंस इज, आज की डेट में अगर आज आप किसी भी नए कस्टमर से मिल रहे हैं तो उनको नहीं फर्क पड़ता आपका नाम पहले क्या था। Okay. जो पुराने कस्टमर्स हैं, जो पुराने हमारे क्लाइंट्स हैं, पुराने इन्वेस्टर्स हैं, उनको जरूर समझाते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है। टाइम लग जाता है। ओके ओके। सर, जैसे मैं आपके लेगेसी को देखता हूँ, आपके फादर ने ही ऑलमोस्ट डिलीवर्ड द कमर्शियल बिल्डिंग्स इन ईस्ट दिल्ली, और आपका मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूँ तो यू आर ऑल्सो मोर ओवर इन टू द कमर्शियल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, वाई ओनली कमर्शियल बिल्डिंग्स? I was very very young, not because my father was doing commercial, ki mujhe commercial mein hi aana tha. I was traveling the world over, and I'm talking about 2001-2002, aaj se 18 saal purani baat bata raha hu aapko. To jab main alag alag projects dekhta tha worldwide, alag alag ek aadat hoti hai developer ke, kehte hain khoon mein hota hai, har jagah ka price pata karna hai, kya chal raha hai. तो हर जगह पे मुझे जो नजर आता था, अच्छी जो भी, हांगकांग ले लीजिए, दुबई ले लीजिए, लंदन ले लीजिए, यहाँ पे हमेशा कमर्शियल की जो सेम बिल्डिंग में भी, वहाँ पे बहुत कॉमन ट्रेंड है कि एक ही बिल्डिंग में ऑफिसेज है और रेजिडेंशियल था, तो कमर्शियल का रेट हमेशा फालतू होता था, करेक्ट, रेजिडेंशियल ऑफिसेज का, और इंडिया में ये ट्रेंड उल्टा है। उसको मैं सिर्फ समझने के लिए और ज्यादा अपनी स्टडी की, तो एक बात समझ आई कि 100 में से 90% जगहों में रेजिडेंशियल होता है, सिर्फ 10% से भी कम कमर्शियल आता है। तो डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट जो हमें समझाया जाता है, सप्लाई बहुत लिमिटेड है कमर्शियल और रेजिडेंशियल की जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है। तो जो फ्यूचर है बाहर कंट्रीज में वो यही चलता आया है हमेशा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सप्लाई उसका प्राइस हमेशा ज्यादा होता है। इंडिया में भी आई न्यू दिस वुड हैपन बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल, सप्लाई एंड डिमांड। Okay. And that is why I realized कि this is the right thing. Secondly, मैं जो educate करता हूँ कुछ लोगों को, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप अपने घर पे कितनी देर बैठते हैं? कोई कहता है 10 घंटे, मैं कहता हूँ जागते हुए कितना टाइम होते हैं? Apart from when you are sleeping or you doing your basics, तो जवाब आता है 2 से 2.5 घंटे। Very less time. और फिर मैं पूछता हूँ ऑफिस में कितनी देर बिताते, चाहे वो अपना ऑफिस हो चाहे किसी और, doesn't matter. तो आप एवरेज आती है 8 से 9 घंटे कम से कम। Yes. You are spending almost 3 to 4 times अपने ऑफिस में rather than at home. फिर मैं पूछता हूँ आपने अपने घर पे कितना पैसा लगाया? कोई कहता है 5 करोड़, कोई कहता है 10 करोड़, the figure varies.
और जब मैं उनसे ऑफिस का पूछता हूँ, यूजुअली दैट कॉस्ट इज 1/10, तो मैं पूछता हूँ जिस जगह से आपने कमाना है, जिस जगह से आपने अपना घर बनाया है या फ्यूचर आगे बड़ा घर बनाना चाहते हैं, जहां आपने जाके सोना है, उस पे इतना पैसा क्यों लगाना और ऑफिस पे इतना काम क्यों? तो लोगों को अब ये वाली बात धीरे धीरे समझ आनी शुरू हुई इंडिया में. वर्ल्ड ओवर व्हाट यू विल सी, लोग अपने घर से बहुत ज्यादा पैसा अपने ऑफिस में लगाते हैं. दे मेक इट वेरी ब्यूटीफुल, जैसे घर पे इटालियन, घर पे चाहे वुडन फ्लोरिंग हो बट ऑफिस में सबको इटालियन फ्लोरिंग चाहिए होता है. इंडिया में रिवर्स है, इंडिया में कहते हैं ऑफिस ही तो है, टाइलें लगा दो, घर पे टाइलें पत्थर लगाएंगे. हां, टाइलें पत्थर घर पे लगाएंगे. सो दैट ट्रेंड इज स्लोली नाउ नॉट रिवर्सिंग बट मैचिंग अप. लोग कहते हैं घर भी सुंदर बनाना है हमें, ऑफिस भी अच्छी जगह चाहिए, एक लैंडमार्क चाहिए और सुंदर बनाना. सर, इसके हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है, हम लोग रेजिडेंशियल की बात करें तो यू हार्डली हैव एनी थॉट टू कम इनटू द रेजिडेंशियल मार्केट. रेजिडेंशियल जो मुझे समझ आता है, या तो सिर्फ बहुत हाई एंड लग्जरी हो, अगेन सप्लाई एंड डिमांड. जो मिडिल सेगमेंट है उसकी सप्लाई अभी इतनी ज्यादा है कि मुझे नहीं समझ आता कि मुझे वेंचर करना चाहिए. हाई एंड लग्जरी की डिमांड बहुत ज्यादा है बट सप्लाई बहुत ही लिमिटेड, क्योंकि लोगों को हाई एंड लग्जरी का भी कंसेप्ट पूरी तरीके से इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ. देयर आर फ्यू डेवलपर्स, फ्यू गुड डेवलपर्स हु आर डूइंग इट, बट बाकी अगर आप डेवलपर्स को हाई एंड लग्जरी के नाम पे बस साइज बड़ा कर देते हैं और एमिनिटीज नहीं, कुछ नहीं. तो लग्जरी के नाम पे जो ऑल पैरामीटर्स हैं दे हार्डली कवरिंग. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सर, एक और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अक्सर हमारे जो बायर्स हैं, दोज ऑलरेडी बॉट द प्रॉपर्टी उनके दिमाग में भी है, दोज हु आर सेलिंग द प्रॉपर्टी उनके दिमाग में भी है. जैसे हम लोग देखते हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर, मतलब वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, यू केम अप विद अ वेरी बिग प्रोजेक्ट. साइमल्टेनियसली आपने नोएडा के डिफरेंट लोकेशंस पर अभी हमारे दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अल्फाथम हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, साइबरथम हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, वी ऑलरेडी केम अप विद ग्रैंडथम इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट. तो मार्केट के अंदर इस तरह की एप्रीहेंशन है, पीपल हैव अ थॉट कि क्या ये अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल कर पाएंगे, ओनर कर पाएंगे और ये फेल हो जाएंगे. तो जो पास्ट में देखा गया है वो अक्सर ऐसा हुआ है कि हूसोएवर इज अ डेवलपर, जिन्होंने बहुत जल्दी बाजी करी है या बहुत तेजी दिखाई है, वो मल्टीपल प्रोजेक्ट एट ए टाइम लेके आ गए हैं, तो दे कुड नॉट अल्टीमेटली डिलीवर देयर कमिटमेंट्स. तो व्हाट इज योर टेक ओवर दिस? माय टेक इज वेरी सिंपल, मैं आपको दो पॉइंट्स पे चीज समझाऊंगा. नंबर वन, मैं ये बताना चाहूंगा, अल्फाथम इज ऑन डिलीवरी स्टेज, वी विल बी ऑफरिंग फॉर फिट आउट्स विद इन लेस देन 30 डेज. तो रह गए दो प्रोजेक्ट जो हम फोकस कर रहे हैं, साइबरथम एंड ग्रैंडथम. साइबरथम इज इन नोएडा एंड ग्रैंडथम इज इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट. तो एक टेरिटरी में अभी हमारा कुल मिला के एक ही प्रोजेक्ट है. सेकेंडली, जहां तक प्रॉब्लम आई, जो डेवलपर्स ने अपनी कमिटमेंट ऑनर नहीं की, आप मेरे को पूरे इंडिया में एक ऐसा डेवलपर बताइए जो कर्ज मुक्त यानी कि डेट फ्री, डेट फ्री और उसके बाद उसने अपनी कमिटमेंट ऑनर ना करी. द प्रॉब्लम इज, जब आपके पास डेट चल रहा होता है, जो कस्टमर से पैसा आता है या जो आपका अपना पैसा भी होता है, वो ईएमआईज में जा रहा होता है या ब्याज में जा रहा होता है. वंस योर मनी इज कमिंग इन, जो आप अपनी प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं, अगर लोगों को कंस्ट्रक्शन नजर आ रही है, दे विल कीप इन्वेस्टिंग विद यू एंड द मनी विल कीप फ्लोइंग एंड अगेन इट्स अ सर्कल, योर कंस्ट्रक्शन विल कीप गोइंग. तो सर, आप ये कहना चाहते हैं whosoever investing with you into your project, उनका पैसा पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर है, they need not to worry about it. जब मेरे को EMI नहीं जा रही, मेरे पे कोई इंटरेस्ट नहीं जा रहा, okay, we are virtually very safe and very sound the way we do things. Okay, तो हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो RERA approved प्रोजेक्ट्स हैं, all RERA approved projects of course, और all the NOCs and all the legal entities have been very well checked. Okay. So the customers need not to worry, they need not to get disturbed. Absolutely. मैं कस्टमर्स को भी यही कहना चाहूंगा, आप जब भी किसी के साथ इन्वेस्ट करें, सबसे पहले उनका प्रोफाइल पता कीजिए, डेट है कि नहीं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आज तक उन्होंने करा क्या है, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स हैव दे डिलीवर्ड. कुछ बोलने वाले होते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड एक्चुअली में चेक कीजिए, उनकी बिल्डिंग्स में उनकी क्वालिटी जाके देखिए, उन्होंने आज तक क्वालिटी का डिलीवर की है. बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ ही बोलते हैं, हाँ जी मेरे ये प्रोजेक्ट्स हैं वो करें, नो, find out about it. Okay. जाके देखिए, that's how you get to know about it. That means we say that in terms of the quality, we are up to the mark. Absolutely. Okay. Absolutely. Okay. We would take one more question here. सर, मुझे ये बताइए कि what is, what are your future plans? मैं अगर बात करूँ down the line 5 years, 10 years, Bhutani Group को हम लोग कहाँ देखते हैं और what all milestones we believe that we will be touching so far? For me, every project that I do is a landmark and a milestone in itself.
अगर आप मुझसे कहोगे आज कि आपको बहुत पैसा बच जाएगा एक सिंपल बिल्डिंग बना दो, तो मैं नहीं बनाऊंगा। आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम यू वांट टू क्रिएट अ लेगेसी फॉर द ग्रुप। कम प्रोजेक्ट करो फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा करो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जो भी प्रोजेक्ट करो यू हैव टू मेक श्योर इट इज अ लैंडमार्क इन इटसेल्फ। वो अपने आप में, आज आप बुर्ज खलीफा जाते हैं तो टैक्सी ड्राइवर को आपको एड्रेस नहीं बताना पड़ता कहाँ जाना है, या मरीना पे जाते हैं सिंगापुर में, या कुआलालंपुर में ट्विन टावर्स जाते हैं, या ओपरा हाउस जाते हैं आप सिडनी में। सो यू इफ यू क्रिएट लैंडमार्क्स यू एंश्योर कि आप जनरेशन दर जनरेशन के लिए एसेट देके जा रहे हो। नॉर्मल बिल्डिंग आज नहीं तो 10 साल बाद 15 साल बाद डिमांड कम हो जाती है बिकॉज इट्स बिकम्स एन ओल्ड स्ट्रक्चर। लैंडमार्क इज क्रिएटेड। आज आप न्यूयॉर्क में जाके देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्राइस्लर बिल्डिंग हो गई, आज 40-40, 50-50 साल बाद भी वहां पे रेंट पे लेने के लिए लाइन तो बहुत छोटी हो रही है, पूरे वर्ल्ड के लोग तड़पते हैं कि हमें कुछ वहां जगह मिल जाए। सो वंस यू क्रिएट अ लैंडमार्क इट इज फॉर जनरेशन, और नई बिल्डिंग उसके साथ की बनी हुई भी वेकेंट है, बेशक उसे ऊंची है पर उससे फर्क नहीं पड़ता। Once you create a landmark, it is a landmark forever. तो सर लैंडमार्क की जहां तक हम लोग बात करते हैं, तो लैंडमार्क कैन बी क्रिएटेड इनटू द स्मॉल लैंड पैच। हम लोग इतने बड़े-बड़े ह्यूज प्रोजेक्ट व्हाई वी आर कमिंग अप विद, बहुत मुश्किल है छोटे प्रोजेक्ट के अंदर। प्रॉब्लम है कि ग्रीन एरिया जो छोड़ना होता है वो ही इतना हो जाता है कि आप उसमें कोई इनोवेशन नहीं कर सकते। आप मेरा जो भी प्रोजेक्ट देखेंगे उसमें जो कॉमन एरियाज है उसे बहुत ज्यादा इनोवेशन मिलेगी आपको, बी इट साइबरथम विद द फाउंटेन और बी ग्रैंडथम विद द यॉट पार्क, यू विल ऑलवेज फाइंड सम सॉर्ट ऑफ इनोवेशन इन आवर प्रोजेक्ट्स विच मेक्स श्योर कि आपका फुटफॉल बना रहे इन अ स्मॉल प्रोजेक्ट, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग फेयरली वी आर हियर और वी कैन से कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो फुल फ्लेजेडली डिलीवर होंगे, ऑन टाइम डिलीवर होंगे, व्हाट एवर बीइंग कमिटेड, व्हाट हैव बीन टोल्ड के सामने एग्जांपल। हां, इफॉल्फ अल्फा थम इज सच अ वंडरफुल प्रोजेक्ट, हम उसे देख रहे हैं जो 2-3 सालों से बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो हमारे दूसरे प्रोजेक्ट हैं जैसे साइबर थम है। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन टू टेक यू, आप हमारे जो बायर्स हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू से? आई विल रिपीट द मैसेज वंस अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज मेक श्योर कि आप चाहे मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या आप किसी भी डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसका कोई केसेस तो नहीं चल रहे, कोई लिटिगेशन तो नहीं है, उसने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है, उसका कभी कोई चेक बाउंस तो नहीं हुआ है, उसकी पहले हिस्ट्री पता लगवाइए। उसके बाद आप एसेट क्लास देखिए कि आप किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके रिटर्न्स कैसे हैं। कमर्शियल एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको रिटर्न्स हमेशा अच्छे मिलेंगे। इट्स अ वेरी रेयर ओकेजन कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन ऑफिस स्पेस और इन शॉप्स और इन एनीथिंग एल्स और आपको रिटर्न्स जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से ना मिले। सो आई वुड ऑलवेज टेल देम टू इन्वेस्ट वाइजली and invest with the right person. Okay. Thank you, sir. It was Mr. Ashish Bhutani. आपने Mr. Bhutani को सुना और आपने देखा कितने beautifully उन्होंने हमारे सारे questions का answer दिया और उन्होंने कितनी एक important insight हमको बताई, Bhutani Group की हमें legacy के बारे में बताया और जो भी इनके project चल रहे हैं, अगर आप उनमें investment करना चाहते हैं तो आप safe and secure हैं, you need not to worry. जो market के अंदर apprehensions हैं, डर लगता है कि project बनेगा या नहीं बनेगा, रुक जाएगा, तो इस तरह का कैसा भी कोई इशू नहीं है, आप इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यू कैन मेक योर माइंड फॉर दिस प्रोजेक्ट्स। तो हम थैंक यू करते हैं सर का, सर आप प्रोपेनलिस्ट के पैनल पर आए, हम हमारे संग उन्होंने इतना टाइम हमें स्पेंड किया, बहुत सारी चीजें हमें बताई। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत जाने का, थैंक यू सर।